हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पटियाला सलवार। दो कली की पटियाला सलवार बताऊंगी। ज़्यादातर चार कली की पटियाला सलवार बनती है। आज मैं आपको दो कली की पटियाला सलवार बताऊंगी। दो कली जुड़ी रहेंगी और दो कली ही काटूंगी। सबसे पहले बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट की लंबाई 6 इंच रखेंगे और 2 इंच नेफा के लिए रखेंगे, तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 8 इंच पर निशान लगाएंगे, इधर भी 8 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। इसकी चौड़ाई हिप के हिसाब से रखेंगे। हिप है हमारी 36 इंच, 36 में 6 इंच मिलाएंगे तो 42 इंच की बेल्ट रखेंगे। ये हमारी 20 आ रही है। अभी हमें और कपड़ा जोड़ना है इसमें। कपड़े को सीधा छांट लेंगे। कपड़े को सही से बिछाएंगे। सलवार की लंबाई 36 इंच, 36 इंच में 6 इंच बेल्ट का निकाल देंगे तो 30 इंच हो जाएगा। 30 इंच में 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे तो 31 पर निशान लगाएंगे। ये हो गया 31, ये 31 पे निशान लगाएंगे। ये मैंने इधर मोड़ा है इतना। यहाँ पे हमारी कली जोड़ेंगी, दो कली इधर जोड़ेंगे, एक इधर, और दो कली ये आ जाएंगी इसमें। अभी मैं काटूंगी तब समझ में आ जाएगा। इधर मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी है हमारी 13.5 इंच, तो 7.5 इंच आएगा। 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे तो 7.5 पर निशान लगाएंगे। अब हम इस निशान को 31 इंच लंबाई के हिसाब से सीधा कर लेंगे। डेढ़ इंच छोड़ के यहाँ निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस तरह फीते को ले जाएंगे, ऐसे निशान लगाएंगे।
अब ये आसन लेंगे। छः इंच बेल्ट में आ जाएगा। यहाँ हम आसन 10 इंच लेंगे। एक इंच सिलाई में चला जाएगा तो 9 इंच हो जाएगा। इधर भी 10 इंच लेंगे। अब हम इसे काट देंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे। इधर भी कट लगाएंगे। अब इन कलियों को अलग अलग कर देंगे। अब ऐसे रखेंगे, ये इनको मिलाएंगे, यहाँ पर मिलाएंगे ये कली को। अरे इधर ये ऐसे एक कली इधर जुड़ जाएगी इसमें और एक इधर जुड़ जाएगी। तो ये दो कली हमें जोड़नी पड़ेंगी। इस तरह ये हमारी दो कली की सलवार बन गई। दो कली हमारी ये इसमें जुड़ी हुई हैं। ये मैंने अलग नहीं काटी हुई, जॉइंट में ही निकाल दिए। और ये दो कली हमारी ये अलग हैं, ये हम यहाँ जोड़ देंगे। इस तरह हमारी दो कली की सलवार बन जाएगी। तो मैं अभी इसको सिलना बताऊंगी। अब मैं इसे सिलना बताऊंगी। पहले हम निशान लगाएंगे। इधर में सीधी साइड रखनी, उधर ये निशान लगा देंगे। ऐसे दोनों में निशान लगा देंगे। ये हमारी सीधी साइड है। इस तरह कली हमारी गलत नहीं जुड़ेंगी, नहीं तो एक कली आगे एक पीछे हो जाती है। अगर ऐसे जुड़ेंगे तो आगे आगे ही कली आएंगी। ये कली हम आगे की तरफ रखेंगे, पीछे हम कली नहीं रखेंगे। ऐसे हम अब ये कली जोड़ेंगे।
इधर इधर देख लेंगे, सीधी साइड है, इधर ही कली पर रख के जोड़ेंगे। कली कली को देख लेना है, मोरी की तरफ मोरी आनी चाहिए। ये इसको ऐसे सिल देंगे, देख लेंगे सही से लिए ऐसे आप सिल देंगे। यहाँ पे आसन इधर भी सिल लेंगे। मैं बेल्ट में ये 3 इंच मैंने कपड़ा काट लिया है, इसको जोड़ दूंगी। ये 20 इंच हमारी बेल्ट थी, तो 20 की 40 इंच हो रही थी, हमें 42 इंच चाहिए थी, तो मैंने 3 इंच काट लिया। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 42 इंच हो जाएगी। अब मैं इसको सिल देती हूँ। यहाँ तक मैं प्लेट डालूंगी, वहाँ पे ये निशान लगा दूँ। पीछे मैं 6 प्लेट डालूंगी, 3 इधर डालूंगी, 3 इधर। 6 प्लेट के हिसाब से ये कपड़ा छोड़ देती हूँ मैं। अब मैं ये यहाँ से प्लेट डालूंगी आगे के लिए, तो यहाँ पे ये निशान लगा देंगे। अब इतने कपड़े में से मुझे यहाँ आगे ये सारे कपड़े की प्लेट डालनी है, इतने में पीछे भी ये निशान लगा देंगे। ये मैं बीच से प्लेट डालना शुरू करूँगी, इधर से यहाँ से बीच में से प्लेट डालूँगी, जहाँ पे हम नाड़ा डालते हैं उधर से। ये पजामी सिल गई है। ऐसे 2 कली की पटियाला पजामी बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ऐसी नई नई वीडियो ला सकूं।